ओम शांति। प्योरिटी हमारे भारत देश की कल्चर रही है, यही हमारे देश की महानता और विशेषता है और हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के इस श्रेष्ठ जीवन का आधार है। प्योरिटी से ही हमारी पर्सनैलिटी श्रेष्ठ बनती है, प्योरिटी से ही अलौकिक आकर्षण आत्मा में आता है। ये प्योरिटी है जो विश्व का कल्याण करने वाली है। कुछ महान आत्माओं की प्योरिटी ही इस संसार को बदल देती है, प्रकृति को बदल देती है। प्योर एनर्जी न जाने क्या क्या परिवर्तन करती है संसार में, हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं। प्योरिटी सबसे बड़ी मानता है, इसलिए हम सभी को विशेष ध्यान देना है कि हम प्योरिटी में परफेक्ट होते चलें, नेचुरल होते चलें, हमारे संस्कार भी नेचुरली पवित्र होते चलें, कर्मेंद्रियां भी शीतल होती चलें, अंग अंग शीतल और सुगंधित होते चलें। ये बॉडी कॉन्शियसनेस देह का आकर्षण छूटता चले, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, ये एक लंबी यात्रा है, क्योंकि हमने सीढ़ी हजारों साल में उतरी है। इन प्योर संस्कार भी कम से कम 1-1.5-2 हजार के सभी में प्रबल होंगे, इसलिए इट कैन टेक लिटिल टाइम। धैर्य रखें, अपने को निरंतर प्रयास में लगाए रखें। हमें अनुभव होना चाहिए कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट की बातों को भूलते चलें। पास्ट किसी किसी का बहुत ही खराब बीता है, वो सीन सामने आते हैं, संकल्प चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं और जो व्यर्थ संकल्प उस पास्ट के कर्मों के कारण चलते हैं उनसे धीरे धीरे मुक्त होते रहें। संकल्प करें कि पास्ट हो गया, वो हमारा शुद्ध जीवन था, पुराना जीवन था, अब हम बाबा के पास आ गए हैं, हमें इस सुंदर जीवन को एंजॉय करना है। अब हमारा प्योर लाइफ है, उस जीवन से जैसे कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारा ये बिल्कुल नया जीवन है। तो नए जीवन में नए विचार, नए संस्कार, नई दृष्टि वृत्ति, नए तरह से बोल और नए महान संकल्प हमारे मन में उठने ही चाहिए। तो आइए हम प्योरिटी की पर्सनालिटी से अपने को सुसज्जित करें, ताकि हमारे कार्य भी सहज सफल होते रहें और अनेक आत्माएं जो देव कुल की हैं वो हमारी प्योरिटी की ओर आकर्षित होकर बाबा से जुड़ती चलें, क्योंकि प्योर संस्कार उनके अंदर भी बहुत ज्यादा हैं, छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं। हमारी प्योरिटी उनको आकर्षित करेगी। सेवा वृद्धि का भी यही बहुत अच्छा साधन है। जहाँ निमित्त आत्माएं जितनी पवित्र हैं, वहाँ उतनी ही सेवा की वृद्धि है, सेवा में रौनक है, सेवा निर्विघ्न है, क्योंकि अपवित्रता ही कहीं ना कहीं सेवाओं में भी विघ्न डालती है, व्यक्तिगत जीवन में भी विघ्नों का कारण कहीं ना कहीं स्थूल या सूक्ष्म अपवित्रता ही होती है। इसलिए बाबा की श्रेष्ठ आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए हमें अपने जीवन को संपूर्ण पवित्रता की राह पर अग्रसर रखना है। संशय की बातें भी बहुत आती हैं, माया भी बहुत प्रबल है, अनेकों को हराती है, क्योंकि काम वासना मनुष्य के देह में, उसके मन में, उसकी वृत्तियों में जन्म जन्म की समाई रहती है और बाहर से भी उसी तरह की हवा मिलती है।
लेकिन मैं तो परम पवित्र हूँ, अब मेरा वो मार्ग नहीं है, वो मार्ग मैंने छोड़ दिया है। मैं तो पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझे तो अब सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे तो प्रकृति की सेवा करनी है। ऐसे सुंदर संकल्पों से स्वयं को प्रतिदिन चार्ज किया करें, अपने से बातें करने से वो व्यर्थ की सब बातें समाप्त हो जाएंगी। तो आज सारा दिन इसी स्वमान में रहकर हम फील करेंगे कि बाबा से पवित्र एनर्जी हम पर पड़ रही है, हमें मिल रही है। ओम शांति।